जय हिंद। देखिए आज की ये मेरी वीडियो स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन के बारे में है। स्प्लिट एसी जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि स्प्लिट एसी को सही तरह से लगाना। सही तरह से लगाने के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं कि सही वॉल पर लगाना, सही हाइट पर लगाना, उसकी आउटडोर को सही जगह पर लगाना और कॉपर पाइप को अच्छे से निकालना, जहाँ पर आपका कॉपर पाइप कम से कम बैंड में निकले, कम से कम लेंथ में लगे, और जिस रूम में आप लगा रहे हैं उस रूम की लुक ख़राब ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इस जो एसी लगाते वक्त हमें ध्यान रखनी होती हैं। ऐसी सभी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको कि हम किन चीज़ों का जो है हम किन बातों को ध्यान में रखते हुए एसी लगाते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत हद तक ये पता चल जाएगा कि एसी इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें इन बातों को दिमाग में रखना है और इन सब चीज़ों से बच के चलना है। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, एक से एक बढ़िया वीडियो पड़ी है, पर हमारी कोशिश है कि उन वीडियो से एक अच्छी वीडियो आपको देना जिसमें एक पेज से लेकर छोटी मतलब एक छोटी से लेकर बड़ी जानकारी तक आप तक पूरी जानकारी पहुँचे और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छे से डिसाइड कर पाएँ आपको एसी कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक इस तरह से एसी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि आपको काफ़ी हद तक ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी सफाई से एसी लगाया है और वो इससे भी मतलब और सफाई से लग सकता था। क्योंकि कई बार कस्टमर क्या होता है वो हमें कुछ चीज़ें करने नहीं देता अपनी मर्ज़ी से, जिसकी वजह से एसी जो है थोड़ी सी उसकी लुक डाउन हो जाती है। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं जिस वॉल पर हम एसी के लिए नाप रहे हैं लगाने के लिए, इसके पीछे बाथरूम है और ये सबसे अच्छी वॉल होती है हर कमरे के अंदर स्प्लिट एसी लगाने के लिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एसी ना लगाएं और इस राइट हैंड वाली वॉल पर लगाएं, तो देखिए यहाँ कहीं एसी लगेगा क्योंकि हमें कमरे की लुक ख़राब नहीं करनी, तो एसी लगेगा वॉल के बीचों बीच, मतलब जहाँ ये पेंटिंग आ रही है इस जगह पर, और फिर हमें कॉपर पाइप यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर आप ये पिलर देख रहे हैं, पिलर से यहाँ पर एक बैंड, फिर यहाँ पर एक बैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हम होल कर नहीं सकते क्योंकि बाथरूम में तो आउटडोर लग नहीं सकता, और यहाँ पर भी एक होल नहीं कर सकते क्योंकि इस ये सेकंड फ्लोर है और उस तरफ जो है मकान का फ्रंट है, तो वहाँ पर स्प्लिट एसी हम लगा नहीं सकते इतनी ऊपर। मतलब ये सोचिए आप 18-20 फुट की हाइट पर हम स्प्लिट एसी कैसे लगा सकते हैं बाहर, जो कि मकान की लुक भी ख़राब करेगा। ठीक है, तो इस तरफ तो एसी लग ही नहीं सकता। अब अगर हम यहाँ तक ले आए कॉपर पाइप, यहाँ हमने इंडोर लगाई, यहाँ तक कॉपर पाइप ले आए, यहाँ बैंड करके यहाँ ले आए, तो अब ये शीशे में से हमें कटिंग करनी पड़ेगी या दीवार में से एक और होल फोड़ना पड़ेगा। अब देखिए कितना सारा ख़राब हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कॉपर पाइप, यहाँ से यहाँ तक कॉपर पाइप, ठीक है, और ये पूरा कमरे के अंदर दिखाई देगा जो कि कमरे की लुक ख़राब करेगा। तो स्प्लिट एसी लगाते वक्त हमें कमरे की लुक पर ख़ास तौर से ध्यान देना होता है कि कमरे की जो डेकोरेशन है वो कहीं हमारा एसी ख़राब ना कर दे। ठीक है, तो ये वॉल तो हमारी फेल हो गई। इसी तरह से एक वॉल है हमारी लेफ़्ट साइड की, ये वाली, अगर हम यहाँ पर एसी लगाते हैं तो यहाँ से कॉपर पाइप जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, और ये हमें शीशे में कटिंग करनी पड़ेगी, शीशा भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है बाहर ड्रेन वाटर गिराने की जगह नहीं है, वो काफ़ी दूर पर है, और अगर हम यहाँ पर होल करके पाइप पीछे की तरफ निकाल दें तो जो बराबर में है वो रूम जो है एक दूसरा रूम है जिसके ऊपर वहाँ पर LCD वगैरह लगी हुई है, तो उसकी कमरे की पूरी लुक ख़राब हो जाएगी, और कॉपर पाइप वहाँ से भी हमें यहाँ बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये वॉल भी बेकार है इसी लगाने के हिसाब से, और ये वाली वॉल भी बेकार है। और देखिए अगर इस पर हम पीछे होल करके निकालना चाहें, यहीं से अगर होल करके हम पीछे निकालना चाहें तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि बराबर में किसी और आदमी का फ्लैट है, ठीक है, तो हम किसी दूसरे आदमी के फ्लैट में भी निकाल सकते। तो अब हमारे पास एक ये वॉल बची और एक बैक साइड वाली बची। बैक साइड वाली में भी कुछ इश्यू हैं। अब जो सबसे कम इश्यू आते हैं वो इसी वॉल पे आते हैं, क्योंकि देखिए स्प्लिट एसी लगाते वक्त हमें सबसे ज़रूरी जो पॉइंट होते हैं उसमें ये देखना होता है कि एसी लगाते वक्त जो भी हमारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रूम के अंदर ना आकर बाहर जाएँ, समझ रहे हैं आप, जिससे कि कमरे की जो हमारी शो है वो ख़राब ना हो, हमारे कमरे की लुक बनी रहे। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं जिससे कि कमरे की हमारी पूरी लुक बनी रहेगी, ठीक है,
हम इस दीवार पर यहाँ एसी लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर होल करेंगे, जिससे क्या है, होल से जो हमारे कॉपर पाइप हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, वो सारी वायरें हमारी बाथरूम के अंदर से निकलकर बाहर चली जाएंगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो यहाँ आ जाएंगी, तो जब आप ये शीशा देख रहे हैं ना, इस शीशे के पीछे भी एक वॉल है, देखिए ये वाली वॉल, ये वो शीशा है। अब हम यहाँ पर इस शीशे को नहीं काटेंगे, इस वॉल में होल कर लेंगे, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ये पिलर है, इसके अंदर भी होल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम होल करके यहाँ से अपने पाइप निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, ये हमने इंस्टॉलेशन के बाद फ़ोटो खींचा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने होल किया और ये निकाल लिया, और ये देखिए ये एसी हमने कितनी सफाई से लगाया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इसको हम और भी सफाई से लगा सकते थे, पर कस्टमर की मर्जी थी कि यहाँ पर लगा दीजिए, हमको ये पॉइंट जो है ढकना नहीं है। हम उनसे कह रहे थे कि इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के यहाँ पे हम इसको मतलब यहाँ पर बीचों बीच लगा देते हैं इस तरह से, मतलब तो उन्होंने बोला ये पॉइंट बंद मत करो, आप यहीं लगा दो, ठीक है, हमारा रेंट का रूम है, हमें कभी भी जाना पड़ेगा तो आप बस लगा दो जहाँ भी आपको सही लग रहा है, और ज़्यादा हमारे पास परमिशन है नहीं मकान में तोड़फोड़ करने की, तो कई बार हमारे पास लिमिटेशन हो जाती हैं एसी लगाते वक्त। तो हमने ये यहाँ थोड़ा सा ऊपर ना करके लगाने के बजाय थोड़ा सा नीचे ही लगाया है, ठीक है। अब देखिए इसको नापना तोलना कैसे है, एक एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बारीकी से। सबसे पहले आप ये दरवाजे की चौखट लीजिए, और जो चौखट है उसको यहाँ से जो पिलर है पिलर के कॉर्नर तक नाप लीजिए। अब ये मान लीजिए ये आया हमारा 50 इंच, तो हम क्या करेंगे इसका 25 और 25 इंच, मतलब 25 इंच और 25 इंच इधर कर लेंगे, और बीच में निशान लगा देंगे ठीक 25 इंच पे, यहाँ से यहाँ तक 25 पे एक निशान लगा देंगे। अब निशान लगाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हमारी इंडोर की प्लेट लगनी है, मतलब ये निशान जो है हमारा एसी के नीचे आ जाए। अगर मान लीजिए हमारा एसी यहाँ लगना, तो हमें निशान यहाँ नहीं लगाना कि बाद में दिखाई दे। अब आप ये अंदर टाइल देख रहे हैं, ये हमारी 7 फुट पर टाइल लगी हैं, तो हमें ऐसे ही जो है इस दीवार पर भी टाइल लगी हैं, तो हमें जो है एसी इस टाइल से ऊपर लेना है होल, जिससे कि ये टाइल हमारे यहाँ पर होल करते वक्त गिरे नहीं। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें नोट करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो 7 फीट कंपनी कहती है कि आप एसी लगाएं, हमने 7 में 7.25 फीट लिया, उसके बाद भी हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे, क्योंकि हमें 3 इंची का होल करना है पाइप जो है उसमें से निकालने के लिए। तो ये 7.25 फुट और 1.5 इंच यहाँ पर, 1.5 इंच यहाँ पर हमने यहाँ निशान लगा लिया भाई, तो ये हमारा 87 इंच प्लस 1.5 इंच, हम यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर एक 3 इंची का गोला बना देंगे, ठीक है। अब ये गोले की जो हाइट है वो हमें किस हिसाब से रखनी है, यहाँ पर ये हमारा 20 सेंटर है वॉल का, ठीक है इसका, और ये करीबन 7.25 फीट की हाइट है यहाँ पर, 7.5 फीट हमारी यहाँ पर है एग्जैक्ट एरो पर, ठीक है। अब देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट और बीच नापने के बाद होल का निशान लेने के लिए आप इंडोर के लेफ्ट में अपना इंची टेप लगाएंगे, और राइट तक पूरा इंची इंडोर नाप लेंगे आप, जैसे कि ये लगभग 40 इंच है, 39.5 इंच है हमारा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, 20 से 2 सूत कम यहाँ पर हम इसके बिल्कुल हाफ में निशान लगा लेंगे, ठीक है, पेन से पेंसिल से या जिस भी चीज़ से आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा जैसे ये हाफ का निशान आ गया, और ये हमको प्लेट पे लगाना है, ठीक है, तो ये इंडोर का मिडिल है बिल्कुल। अब यहाँ से इंची टेप रखेंगे, क्योंकि हमें पाइप पीछे निकालने हैं, तो हमने पाइप अपने सीधे कर लिए हैं, पाइप ही हमारे इस तरफ रहते हैं, हमने इसको इस तरफ कर लिए हैं पाइप को, मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ये पाइप हमने किस तरह से खोले हैं, ये सिर्फ अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि नाप तोल और हमें मेजरमेंट कैसे करनी है, ठीक है, जो भी है। अब देखिए यहाँ से हमने हाफ से इंची टेप रखा, और ये देखिए ये हमारा कॉपर वायर वाला हिस्सा है, और ये हमारा ड्रेन पाइप है। अब ड्रेन पाइप और कॉपर पाइप, अगर हमें ड्रेन इस तरफ से निकालना है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये बीच नापना है हमें, ठीक है, जैसे ये 11.5 बैठेगा, और अगर हमें इधर की तरफ ड्रेन निकालना है अपना पाइप के, तो ये करीबन 11.25 बैठेगा बीच इसका, ठीक है। अगर हमें नीचे से निकालना है,
तो ये लगभग हमारा 11 ही बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि मतलब हमें होल चौड़ा किस तरफ करना है, आपने पहले ये सोच लेना है हमारी ड्रेन किस तरफ है, उस हिसाब से। अब मान लीजिए हम अगर ड्रेन यहीं से निकालते हैं तो हम इसकी लगभग यहाँ पे इसका हाफ मान लेते हैं 11 के पास, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 11 इंच हमने ये होल का बीच लिया और इसके यहाँ पर एक गोला बना लिया। अब हमें इसके अंदर करना है होल, और होल करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूँ। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले प्लेट टांगते हैं, ठीक है, इस तरह से प्लेट लगा देते हैं जहाँ पे एसी लगना है। हमने क्या करा, यहाँ पे नाप लिया, सब कुछ करा, प्लेट लगा दी, उसके बाद होल फोड़ा। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा होल फोड़ते वक्त किसी वजह से नीचे तक चटक जाए थोड़ा सा, मान लीजिए ये हमारी प्लेट है और देखिए एसी हमारा यहीं तक आएगा, ठीक है, अगर इस चीज से हमारा जरा सा भी होल नीचे फूट गया तो वो हमारा स्प्लिट एसी की जब हम इंडोर टांग देंगे तो वो दिखाई देगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, होल बाद में नहीं फोड़ना, होल पहले फोड़ना है और प्लेट आपने बाद में लगानी है। उससे फ़ायदा क्या है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ तक होल फोड़ा था लेकिन ये हमारा होल फूट गया नीचे तक, समझ रहे हैं आप, मान लीजिए अगर हम यहाँ तक फोड़ रहे थे और ये होल हमारा यहाँ तक फूट गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्लेट को क्योंकि हम बाद में लगा रहे हैं तो हम इस सीज से नाप कर, समझ रहे हैं आप, प्लेट थोड़ा नीचे करके लगा सकते हैं, जिसमें क्या है जो ये होल का जो है हमारा जो ये नीचे ज़्यादा फूट गया ये ऐप जो है ये छिप जाएगा, क्या समझे। तो आप हमेशा होल पहले फोड़िए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 99% मैकेनिक प्लेट पहले लगाते हैं होल बाद में फोड़ते हैं, और मैंने कई बार देखा है कि उसके बाद क्या है ये नीचे होल जो है हमारा दिखता रहता है, ठीक है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये किसी मैकेनिक ने एक एसी इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नीचे ये होल दिखाई दे रहा है, ये इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने प्लेट पहले लगाई है। देखिए इसके बाद आती है वो होल करने की बारी। तो देखिए होल करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, होल ना आप दो तरह से कर सकते हो। देखिए आप एक तो ये वॉल ड्रिल ले सकते हो, है ना, 65 mm और 75 mm का आप वॉल ड्रिल ले सकते हो, पर ये वॉल ड्रिल अच्छी ड्रिल मशीन पर ही चलते हैं, ठीक है। और 65 mm के ड्रिल से आप 1.5 टन का एसी आराम से लगा सकते हो, पर 2 टन के एसी के लिए आप हो सके तो 75 mm का ड्रिल यूज़ करिए, नहीं तो आप 65 mm से भी लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा उसके अंदर पाइप थोड़ा टाइटली जाएगा बस। तो अगर आपको आसानी से काम करना है 75 mm का ड्रिल यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपकी मशीन ये नहीं उठा रही है तो आपके पास होल फोड़ने का एक आसान तरीका क्या है मैं बताता हूँ। देखिए आपको होल फोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए आपको 1.25 किलो से ऊपर का हैमर, मिनिमम 1.25 किलो तो वजन होना चाहिए या 1.5 किलो, ठीक है, और आपको चाहिए एक 1.5 फिट की छेनी और 14 या 16 mm का 1.5 फिट का SDS हैमर बिट, ठीक है। ये वाला ड्रिल जो है ये हमारा होल फोड़ने के लिए हमें चाहिए, इन सब चीज़ों से मिलाकर ही हम होल फोड़ सकते हैं। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ ना 3-4 होल फोड़ लेने हैं ऐसे अपने 3 इंची के अंदर, इसके बाद आपको जब सीधे सीधे होल फोड़ लेने हैं 3-4, उसके बाद एक होल बीच में फोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल सीधे। इसके बाद आपको टेढ़ा ड्रिल ऐसे घुमाना है, उसको ऊपर की तरफ उठाते रहना ड्रिल को। अभी क्या ये जो होल के बीच की जो वॉल है ना जी हमारी इतनी सी ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। देखिए आपको ऐसे तिरछा ड्रिल चलाना है और ज़्यादा नीचे नहीं लाना, क्योंकि हमें अगर नीचे टूटा तो हमें प्लेट और नीचे लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ड्रिल हमारा रपट रहा है ना तो हमने ड्रिल दूसरी तरफ से यूज़ कर ली टेढ़ी करके। अब ये क्या है, ये होल काफ़ी अच्छे से कमज़ोर हो जाएगा इस तरह से ड्रिल चलाने से बार बार। आप टेढ़ा टेढ़ा ड्रिल इसमें चलाएंगे, ये देखिए ऐसी हम यहाँ पे भी चला सकते हैं, यहाँ पे भी चला सकते हैं। इसके बाद क्या है, अगर आपको ड्रिल चलाने में दिक्कत हो रही है तो आप छेनी का यूज़ कर लीजिए, आप हथौड़े और छेनी से होल को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको मैंने पतले ड्रिल और वॉल ड्रिल जो 65 mm 75 mm का दोनों से बता दिया होल किस तरह करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने टांगनी है प्लेट। अब देखिए प्लेट को किस तरह से टांगते हैं, प्लेट को टांगने का तरीका देखिए, एक तो जो बीच सेंटर का हमारा निशान था और जो इस प्लेट पे निशान है, देखिए प्लेट पे जो निशान है ना वो हमारे वो दीवार वाली साइड पे है, बैक साइड में। तो आपको क्या करना है, इस प्लेट के निशान को है ना दोनों तरफ लगाना है आप पलट पलट के, यहाँ भी और वॉल वाली साइड पे भी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये बीच सेंटर था तो आप इस प्लेट को यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि हम मेजरमेंट तो पहले ही कर चुके हैं तो आपका ये एग्जैक्ट वैसा ही आएगा। और आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या करिए,
आप ना पहले इंडोर को नाप लीजिए इस तरह से, ये प्लेट आपने इसमें लगा लेनी है वापस से इंडोर में, और जो ये प्लेट है हमारी, और जिस साइड होल आपने निशान लगाया है उस तरफ से आप ये नाप लीजिए। जैसे अभी ये 3 इंच है होल के सेंटर से, तो हमने करना क्या है, होल के सेंटर से 3 इंच यहाँ पे निशान लगाना है और अपनी प्लेट के जो निशान है वो लगा लेने हैं। ये तरीका है। अब एक निशान आपने यहाँ लगाना है और एक निशान आपने यहाँ लगाना है नीचे, और इस होल की सीध से लगाना है निशान, और इतना रखना है कि जिसमें हमारा होल ये पूरा छिप जाए। आपको ये प्लेट ऊपर नहीं कर देनी कि हमारा ये होल दिखता रहे। यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है और एक यहाँ पर। आप एक पेच चाहे ये वाला लगा भी सकते हैं पहले से ही, मतलब बिना प्लेट सीधी करे कुछ भी करे, आप इस निशान और इस निशान के बाद एक पेच लगा कर इसको, मतलब आपको कसना नहीं है, आप सिर्फ लगा सकते हैं थोड़ा सा पेच, मतलब इसमें अटका सकते हैं गिट्टी लगा कर। अब देखिए प्लेट टांगने का तरीका, निशान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमें कहाँ पे लगानी है प्लेट। प्लेट टांगने के लिए आपको चाहिए होगा वाटर लेवल, ठीक है, ये हमारा वाटर लेवल है, और आपको इस तरह से वाटर लेवल रख लेना है। अब ये देखिए ये वाटर लेवल जो है हमारा इस तरफ ऊपर जा रहा है, ये बबल जो है हमारा इस तरफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारी प्लेट इस तरफ झुकी हुई है, ये बबल हमेशा उठी हुई साइड ऊपर जाता है। अब हम क्या करेंगे इसको ना, जब यहाँ से ऊपर उठाएंगे धीरे 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 धीरे, और देखो आपको यहाँ पे हाथ रख के रख लेना है, पहले मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ हाथ रख लेना है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से उठाएंगे ना तो यहाँ से नीचे गिरेगा, तो क्योंकि हमें यहाँ से नीचे नहीं लाना, क्योंकि हमारा यहाँ पर निशान है और यहाँ पर भी एक निशान है, क्योंकि इससे इधर भी ले जाना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसको यहाँ से धीरे धीरे उठाना है, तो ये बबल जो है हमारा धीरे धीरे यहाँ पर सीधा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और जैसे ही हमारा बबल इस तरह से आ जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दो होल को लगा लेना है निशान, इसको भी, चाहे आप इसको भी लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए, ठीक है, ये और ये, इस तरह से आपको ये लगा लेने हैं, ये और ये लगा लेने हैं, चाहे आप इन होल को, तो आप निशान को ज़्यादा भी लगा लीजिए, ये वाले, चाहे आप तीन यहाँ लगा लीजिए, तीनों यहाँ लगा लीजिए ऐसे, क्योंकि मैं बताता हूँ होता क्या है, जब आप ये होल लगा लेंगे ना और इसमें ड्रिल चलाएंगे, तो कई बार ये ना होल ख़राब हो जाते हैं, कई बार मतलब होता है कि चिनाई के वक्त मसाला अच्छा नहीं है, या जो ईंटों के बीच में मसाला है वो वहाँ पर काफ़ी हद तक है ही नहीं, मतलब इनमें से एक होल ही आपका मजबूती से जो है वो गिट्टी ठुकी, समझ रहे हैं आप, उसमें तो आप अगर कई होल लगा लेंगे तो आपकी एक ना एक गिट्टी जो है उसमें मजबूती से ठिक जाएगी। तो ये तो रहा प्लेट के निशान लगाने का तरीका, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो वाटर लेवल है ना, कई बार क्या है हमारे ख़राब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इस तरह से सोच के लगा दोगे कि वाटर लेवल मेरा सीधा है, मतलब हमारी जो इंडोर यूनिट है वो सीधी लगेगी, पर वो हमारी जो है प्लेट टेढ़ी लग जाती है। तो आप ऐसे में क्या करें, एक बार ना इस वाले हिस्से को इधर और इस वाले हिस्से को इधर रख लें, ठीक है। अगर आपका वाटर लेवल ख़राब है तो ये जो बबल है ना ये बीच में नहीं आएगा, एक तरफ इस तरफ या इस तरफ किसी भी तरफ आपका उठ जाएगा, समझ में आ रहे। तो आप ऐसे में एक टेढ़ी यूनिट लगाने से बच सकते हैं। और देखिए वाटर लेवल को ना प्लेट पे लगाने का भी एक तरीका होता है, यहाँ और यहाँ पूरी तरह से ये प्लेट पे सटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसको एक तरफ यहाँ से उठा के लगा लो या इसको करो। और जब भी आपका बबल अगर ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरफ ऊपर आया है इस तरफ ऊपर आ रहा, तो आपको जो प्लेट को मैनेज करना है ना वाटर लेवल को, वो वाटर लेवल को छेड़ के नहीं करना है, आपको हमेशा प्लेस को उठाकर करना है, और ये ध्यान रखना है कि वाटर लेवल कहीं हमारा हिल तो नहीं गया। अगर वाटर लेवल यहाँ से या यहाँ से उठ गया तो आपके इससे उठाने गिराने में जो है आपकी प्लेट टेढ़ी लग जाएगी। अब देखिए होल कैसे करते हैं, होल करने के लिए आपको चाहिए 6 mm का वॉल ड्रिल, ठीक है, इस तरह की बिट होती है इसमें, और ये 6 mm का बिट चाहिए आपको, 6 mm के बिट से आपको होल करने हैं। अब करने किस साइज के हैं, देखिए आपको इस तरह के जो है ये हमारी गिट्टी ले लेनी है, ठीक है, इसको वॉल प्लग के नाम से भी मिल जाएंगी आपको ये, और आप इसको प्लास्टिक की गिट्टी के नाम से भी मान सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये 1/4 इंची वाली गिट्टी है और ये 1/4 इंची का पेच है, पर ये हमें 1.5 इंची के कह के मिले हैं, ठीक है, 1.5 इंची में उसने 1/4 इंची के दिए हैं लगभग, देख लीजिए आप पूरा 1.5 इंची तक आ नहीं रहा, ऊपर से भी कम है नीचे से भी कम है, ठीक है। और ये हमारी लगभग पूरे 1.5 इंच की गिट्टी है, आप देख रहे हैं 1.5 से भी कुछ ज़्यादा ही है, और ये हमारी 2 इंच की गिट्टी है,
और ये 2 इंची का पेच है, आपको ये हमेशा रखने हैं अपने साथ, क्योंकि देखिए हम लगाते तो इससे हैं ठीक है, पर ये कई बार क्या होता है ये लूज रह जाती है। और इसका साइज पता क्या, ये है हमारा 6 mm यहाँ पर और ये है 1.5 इंच, इसका भी ऐसी है, ये 8 mm की है हमारी और ये हमारी 2 इंच लंबी है। अगर ये लूज पड़ती है तो हम ये वाली गिट्टी लगाकर ये वाला पेच लगाकर अपनी इंडोर लगा देते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें हमेशा अपने साथ रखनी है, और ये वाली गिट्टी आपको इंडोर लगाने के लिए यूज़ करनी है। और देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो दीवार में ड्रिल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आप कभी ज़्यादा लंबा ड्रिल कर देंगे, कभी छोटा ड्रिल कर देंगे, तो उसके लिए एक आसान तरीका क्या है, आप ना अपना जो गिट्टी है उसको यहाँ पर रखिए और थोड़ा सा ना इसको फालतू ही रखिए बिट को बाहर, और यहाँ पर ना आप अच्छे से टेप लगा लीजिए। वैसे तो इसमें स्टॉपर भी आता है ड्रिल मशीन में लगाने का, आप अगर उसको लगा लेंगे तो वो दीवार पर जाते ही टच हो जाएगा और आपका होल अंदर नहीं होगा, पर अगर आपके पास वो स्टॉपर नहीं है तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। उसके बाद अपना जहाँ भी आपने निशान लगाए हैं वहाँ पर देखिए इस तरह से होल करिए, और जैसी आपकी ये आपको टेप दिखाई देगी ना दीवार से टच होने वाली, आप बस होल करना बंद कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने सारे होल कर लेने हैं। अब होल करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करनी है, इसमें ना जो होल हमने किए ना इनमें से 2 सबसे ऊपर के लेफ्ट के और 2 सबसे ऊपर के राइट के में हमने गिट्टी लगा लेनी है, और कम से कम 1 सबसे नीचे के जहाँ पर लोक है दोनों लोक की तरफ 1-1 गिट्टी लगानी है, या 2-2 लगा लेनी है, मतलब 6 गिट्टी तो हमने लगानी है, चाहे हम इसमें 8 भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमें ना इन्हें फटाफट से हथौड़े से ठोक लेनी है, और गिट्टी हमारी पूरी अंदर जानी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ये नहीं कि गिट्टी आधी गई और हमने उसको ज़बरदस्ती से ठोकना शुरू करा वो मुड़ के टूट गई। अगर हमें लगे गिट्टी टाइट है जा रही है या नहीं जाएगी तो गिट्टी हमें वापस से खींच के होल को बड़ा कर लेना है। इसके बाद ही हमें जो है उसमें गिट्टी को दोबारा से लगाना है। आपने गिट्टी लगा ली, और मैं आपको एक चीज़ और बता चुका हूँ कि अगर गिट्टी हमारी पूरी अंदर चली गई और लूज है तो आप 2 इंची वाली गिट्टी लगाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने सारी गिट्टी लगाने के बाद जब आप प्लेट टांगेंगे तो प्लेट टांगते वक्त आपको सिर्फ 2 पेच लगाने हैं और पूरे नहीं कसने हैं। आपको एक बार फिर से वाटर लेवल रखकर चेक करना है कि कहीं हमारी प्लेट निशान लगाने में या कीले लगाने में गड़बड़ तो नहीं होगी। इस तरह से आप एक बार वाटर लेवल चेक कर लेंगे पूरा, ठीक है, हमारा वाटर लेवल सीधा आना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितने पेच हमने गिट्टी लगाई है सब में अपने पेच लगाकर वाटर लेवल अगर हमारा सीधा आ रहा है तो आपको पेच लगा देने हैं, पूरे ठोक देने हैं इनको, ठीक है। इस तरह से आप पूरे पेच ठोक दीजिए जितने भी हैं हमारे। और देखिए यहाँ पर एक पेच भी चल जाता है अगर मजबूती से ठुकाओ, आपको इंडोर का जो वजन रहता है ना वो ऊपर वाले पेचों पर रहता, तो आपको ऊपर वाले 2-2 लगा लें कम से कम, ठीक है, नीचे एक भी चल जाएगा, यहाँ का एक पेच भी चल जाएगा, ठीक है। फिर भी हमने 2-2 लगा दिए कि अगर एक पेज किसी वजह से लूज हो जाए तो हमारा दूसरा पेज मजबूती बनाए रखे। देखिए अब मैं आपको इसी एसी की प्लेट के निशान लगा के दिखाता हूँ, और आपको पहले इस होल को यहाँ से सीध मिला लेनी है, ठीक है, कि प्लेट हमारी होल के जो चटका हुआ से थोड़ी सी नीचे आ जाए। इसके बाद जब वाटर लेवल में ये बबल हमारा सीधा हो जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा, तो हमें ये निशान लगा लेने पूरे, कम से कम 2 यहाँ के और 2 यहाँ के, एक एक नीचे का भी चल जाएगा आप, लेकिन यहाँ भी कम से कम 2-2 लगा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या है हमारे होल ना कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो एक होल में अगर हमारी गिट्टी नहीं बैठती है सही से तो दूसरा होल हमारा काम कर जाएगा। निशान आपने एक ही बार में लगा लेना है, क्योंकि नहीं तो फिर बार बार प्लेट रखनी पड़ेगी और आपका समय ज़्यादा ख़राब होगा उसमें, और निशान पहले जैसे आएंगे भी नहीं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्लेट लगानी सीख ली, होल करना सीख लिया। अब देखिए बात रहती है हमारी स्टेबलाइज़र की, ये स्टेबलाइज़र हम बाथरूम में लगा रहे हैं क्योंकि कस्टमर चाहता है कि स्टेबलाइज़र हमारा अंदर से चले। तो हमने क्या करा है, पहले ना इंडोर टांगने से पहले अपना स्टेबलाइज़र टांग लिया और उसकी वायर अंदर डाल दी है, जिससे कि इस इंडोर यूनिट टांगने के बाद हमें वायर निकालने की दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए एक चीज़, ये जो हमारी इंडोर है और जिसमें हमारा ये पाइप है कॉपर पाइप, आप देख रहे हैं ये जो हमारी बॉडी है इससे यहाँ पर हमको करीबन 1-1.5 इंच का गैप मिल रहा है, ठीक है। तो होल के बाद है ना हम, मतलब अगर प्लेट अपनी 1-1.5 इंच नीचे भी लगाएं तो भी मैनेज हो जाएगी, तो ये हमारा कॉपर पाइप है ना ये होल में अड़ेगा नहीं, मतलब ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए भी हम
जो है वो होल डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए ये होल कॉपर पाइप हमारे बिल्कुल इस प्लेट से लग के आ रहे होते ना, तो अगर हम हमारी प्लेट नीचे लग जाती होल के 1.5 इंच, तो फिर आसानी से हम उसको बिठा नहीं सकते थे इंडोर को, मतलब ये लॉक नहीं फंसते, ठीक है ना। बताता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए ये होल है और ये प्लेट हमारी नीचे लग जाती है यहाँ पर, इससे करीबन 1.5 इंच नीचे, तो कॉपर पाइप है ना वो हमारा यहाँ आता, पर ये होल ऊपर होने की वजह से वो नीचे आ नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या है वो यहाँ पर जो ऊपर लॉक है हमारे उसमें नहीं फंसती, जिससे क्या है कि हमें ना होल नीचे की तरफ और फोड़ना पड़ता, क्योंकि कॉपर पाइप जो है वो हमारे होल ऊंचा होने की वजह से उसमें अटक जाता और इंडोर माटी पूरी तरह नीचे नहीं आती। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के होल फोड़ना होता है। अब इंडोर इस पाइप के अंदर से निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसका भी एक तरीका होता है निकालने का, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के हमें ध्यान रखना होता है, सावधानी रखनी होती है। देखिए अब हमें सबसे पहले इंडोर में क्या करना है, जो हमारे जो वायरिंग पैनल के ऊपर जो एक कवर लगे हुए हैं, ये दोनों कवर हमने खोल लेने हैं। इसके बाद है ना हमें इंडोर टू आउटडोर वायर जोड़नी है, जो कि हमारी पावर सप्लाई इंडोर से आउटडोर को जाएगी, वो वाली वायर हमने जोड़ लेनी है। और जो सप्लाई हमारी इंडोर को आएगी वो कंपनी ने ऑलरेडी जोड़ कर दी हुई है पहले से ही, ठीक है। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ना वायर डालने के लिए कंपनी ने जगह दी हुई होती है, थोड़ी सी खाली जगह यहाँ पर दी हुई है, आप नीचे से वायर डालिए, ऊपर से मत डालिए, ऊपर से डालेंगे तो आपको 3 मीटर वायर खींचनी पड़ेगी फिर, तो आप नीचे से डालिए। और देखिए यहाँ पर जो ये पैनल दिया हुआ है ना, इसमें लाइन न्यूट्रल और सिग्नल लिखा हुआ है और ये अर्थिंग का साइन है, आपको इसमें ना ये वायर इतनी अंदर डालनी है कम से कम इस पेच के नीचे तक आ जाए और इससे थोड़ी सी आगे आ जाए, जिससे कि हमारी वायर पूरी तरह से कस जाए। उसके बाद है ना वायर कसने के बाद आपको क्या करना है, इनको खींच करके देख लेना है। देखिए इस तरह से हमारी वायर आ गई और इनको है ना वायरों को कसने के बाद हमें चारों को एक बार थोड़ी पावर से खींच के देख लेना है, कहीं कहीं निकल तो नहीं रही है हल्के से ताकत से ही। अब लाइन यहाँ आ गई, न्यूट्रल की वायर यहाँ आ गई और सिग्नल की यहाँ आ गई, और ये जो ग्रीन और येलो वायर है ये हमारी अर्थिंग की है, ये हमारी अर्थिंग में आ गई और ये हमारा अर्थिंग का साइन है। अब देखिए इसी तरह की सेम वायर हमें, यही वायर जो है आउटडोर में लगानी है, पर हमारे पास इस केस में क्या है, हमने ना पाइप जो है वो बढ़ाया है, हमारी जो आउटडोर है वो इंडोर से 3 मीटर से ज़्यादा दूर चली गई है, जिसकी वजह से हमने कॉपर पाइप भी बढ़ाया है और हमें ये कॉपर वायर भी बढ़ानी पड़ेगी, तो जो है इनके कलर कोड थोड़े से अलग हो जाएंगे, तो हमें ना वो याद रखने हैं हमें कौन सी वायर की जगह कौन से वायर जोड़े हैं, उसी तरह के फिर जो है हमें आउटडोर में वायरिंग करनी है। जैसे देखिए मान लीजिए आपने ये लाइट कलर की रेड सी वायर है कुछ, इसकी जगह आप मान लीजिए डार्क रेड जोड़ दीजिए, ब्लैक की जगह आपने ब्लैक जोड़ दी और इसकी जगह मान लीजिए आपने ब्लू जोड़ दी और ग्रीन की जगह ग्रीन येलो या येलो जोड़ दी, तो आपको ना उसका एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है, जहाँ पे आपने जॉइंट लगाया उस जॉइंट का फ़ोटो लेकर के आप क्या कर सकते हैं, जब आप आउटडोर की वायर जोड़ेंगे तो आप उस फोटो के हिसाब से उसको लगा सकते हैं, तो आपकी वायरिंग गलत नहीं होगी, आपकी मशीन को कोई ख़तरा नहीं रहेगा। देखिए इसके बाद ना हमें कॉपर पाइप एडजस्ट करने हैं दीवार के होल से आसानी से निकालने के लिए, इंडोर के अंदर जो पाइप हैं हथेली लगाकर इन्हें 90 डिग्री एंगल पर सीधे कर लेना है। इसके बाद क्या है, एक तो ये हमारा ड्रेन पाइप है ये, और जो कॉपर वायर है ये वाली इंडोर आउटडोर की, इनको इसी के साथ हमने टेप कर लेनी है। और देखिए ये जो आप जो ये दो नट देख रहे हैं, ये दो नट ना हमने पहले से ही ढीले कर लिए हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है गैस होती है, और अगर हम इनको एकदम से खोल देंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से निकल के भगते हैं और आपके आँख नाक मुंह पर कहीं लग सकते हैं, जिससे आपको चोट लग सकती है, तो ये नट ना हमने पहले से ढीले कर लिए हैं, जो कि मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाना भूल गया हूँ, तो अब मैं इनको आपको डायरेक्ट खोल के दिखा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप इंडोर के नट खोलेंगे तो इनको धीरे धीरे ढीले करिए, और जब आपको गैस की आवाज़ सुनाई देने लगे धीरे धीरे,
तब आपको ये छोड़ देना है, और जब सारी गैस निकल जाएगी तब आपको ये पूरे जो है नट खोलने हैं। देखिए इनको है ना, आपको अच्छे से जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर टेप कर लेने हैं, जिससे क्या है कि जब हम इसे होल में निकालेंगे तो ये सारे पाइप एक साथ होंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये नट ना हमें वापस लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनका मुंह खुला होने से ना क्या होता है पाइप का, इनके अंदर ना धूल मिट्टी चली जाएगी। अगर हमारे जो वॉल के अंदर जो होल है उसके अंदर जो मिट्टी या रेत का जो सीमेंट सॉरी उसके अंदर जो ईंटों का टूटा हुआ चूरा है ना या सीमेंट का, वो इनके अंदर चला जाएगा, जिससे मशीन में कोई दिक्कत आ सकती है। तो क्या हम करेंगे, हम इनका ना वापस से नट को लगा देंगे, हम बाद में खोलेंगे पाइप को होल से निकालने के बाद। और ये चारों वायर और पाइप हमें एक साथ टेप कर लेना थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो देखिए एक वायर ना मैं यहाँ से निकालनी है, तो कई यूनिट में क्या रहता है, ये यहाँ पे ना कट दिया होता है एक छोटा सा कट वायर निकालने के लिए, पर इस मॉडल में क्या दिया है इन्होंने, ये यहाँ पर एक कवर दिया हुआ है जो पूरा ही निकल जाता है। ये देखिए ये निकल गया, तो यहाँ से हम अपनी वायर निकाल सकते हैं बाहर। तो देखिए मेरे जो काम सिखाने का तरीका है ना ये बताने का, वो थोड़ा सा अलग है, बेशक हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी पॉइंट काम बताते या सिखाते वक्त छूटे ना, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट छोटे से छोटा पॉइंट भी अगर छूट गया तो उससे ना एक बड़े से बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको एक गैस वाली बात बताई है कि इंडोर के अंदर आजकल प्रेशर डला हुआ आने लगा है, जो कि हमें पहले नट ढीले करके निकालना होता है। मुझे अपने समय की वैल्यू नहीं है, बेशक मेरा समय वीडियो बनाते में ज़्यादा लग जाए, पर जो सावधानी वाली चीज़ है वो तो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे ज़रूरी जो है वो है अपनी सेफ्टी, तो सेफ्टी फर्स्ट है। देखिए स्प्लिट एसी के होल के बारे में ना एक चीज़ हो रहा है, ये जो होल है ना हमारा, ये हमने राइट साइड किया है, तो हम ना ये डिसाइड कर लेते हैं पहले कि हमारी जो इंडोर है वो किस तरह से लगनी है। तो देखिए जो हमारी पीसीबी साइड है, जो ड्रेन पाइप के जो होल है और जो कॉपर पाइप का होल है, वो हमारा इस जगह पर आ रहा है, तो हमने जो है अपना ये यहाँ पर किया है। ठीक है, पर अलग स्प्लिट एसी की खास बात है कि इसको ना बहुत सारे अलग अलग तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि किसी एसी में ना एसी में हमें यहाँ पर होल करना पड़ता है, किसी में यहाँ पर, किसी में यहाँ पर, और कई बार यहाँ पर होल करना पड़ता है, या फिर इससे आगे यहाँ पर भी होल करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं उसके ऊपर कि स्प्लिट एसी के पाइप हमें किस जगह से निकालने हैं और फिटिंग किस तरह से करनी है, या फिर बैक साइड में जो वॉल के है हमारे पास वहाँ पर नट कसने के लिए हमारे पास सुविधा है कि नहीं है, वहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें देखकर ना हमें डिसाइड करना पड़ता है कि होल हमें किस तरफ करना है। देखिए इस स्प्लिट एसी में क्या है, हम यहाँ भी होल कर सकते थे, ठीक है ना, यहाँ से हमारा जो कॉपर वायर है और जो कॉपर पाइप है वो हमारे यहाँ से अंदर आते, ठीक है, जो कि हमारे साथ एसी के साथ फ्री आते हैं अक्सर 2.5 मीटर में, उस पर वायर की बात कर रहा हूँ 3 मीटर की, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ से इंडोर के ही पाइप बाहर निकाल दिए हैं, उसमें क्या है अगर हम यहाँ होल करते तो यहाँ पर हमारे वो फ्लेयर नट कसने में आ जाते, तो कई तरह की फिटिंग रहती है, अलग अलग तरह की फिटिंग में अलग अलग तरह के होल करने पड़ते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पता चले कभी आपने कॉपर पाइप तो आपके यहाँ से बाहर निकलने, आपने होल जो है वो गलती से यहाँ पे कर लिया, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप इसलिए हमेशा सोच के रखें कि हमारी जो इंडोर है वो इस तरह से लगनी है, इसमें पाइप हमारे यहाँ पर है, ठीक है, ये एक तरीका है आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप कभी गलती ना करो इसलिए। इसके बाद देखिए अब हमने डालनी है इसके अंदर इंडोर, इंडोर डालने से पहले हम क्या करेंगे, हमको सोचने हैं इसके बारे में कनेक्शन, कि हमारे कनेक्शन किस तरह से होंगे पावर के। अब देखिए एक वायर जो है हमारी इंडोर से जाएगी आउटडोर को, जो कि हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरी वायर जो है हमारी यहीं से ही जाएगी, वो जाएगी स्टेबलाइजर को, इंडोर की सप्लाई, और स्टेबलाइजर लगाया हमने बाथरूम के अंदर, ठीक है।
तो जो सप्लाई है हमारी, इसलिए दो वायर हमारे यहाँ से इसके साथ हमें होल से बैक साइड में निकालनी है। और एसी चलाना है हमें रूम के अंदर से, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि हमारे बाथरूम में एक ही प्लग है, उससे हमें वॉशिंग मशीन चलानी है। तो आप क्या करिए, बाथरूम से सप्लाई ना देके स्टेबलाइजर को आप अंदर से दे दीजिए। इसलिए अब हमें एक वायर ना होल से पहले अंदर की तरफ डालनी पड़ेगी, जो कि हमारे रूम में आएगी। देखिए ये वाली वायर हमारी जो है इस तरह से रूम में अंदर आएगी, जो कि हमें यहाँ पर एक प्लग दिया है नीचे थोड़ी सी, उसमें लगानी है। तो इस हम अपनी इंडोर लगाने से पहले ये वायर इसमें डाल सकते हैं, चाहे बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में हम डालेंगे तो थोड़ा हमें दिक्कत होगी, अगर हम इसको पहले डाल देंगे तो बेटर है। ठीक है, स्टेबलाइजर हमने लगा लिया है अंदर। ये देखिए ये हमारा होल है जिससे हमारे पाइप अंदर आने हैं, और यहाँ पर हमने स्टेबलाइजर टांग दिया है और वायर हमने पीछे डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इंडोर यूनिट। ये देखिए इस तरह से आप जो है इसको वायर पहले अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये हमारी आउटडोर की वायर है और ये हमारी इंडोर की वायर है। ये हमारा ड्रेन पाइप, और इसको ना हम हाथ से पकड़कर अंदर की तरफ कर देंगे, बड़ी आसानी से भी चला जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा है इसके ना मुंह पर भी थोड़ी सी टेप लगा ली है। ये देखिए इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे हिलाकर पाइप को आसानी से अंदर डाल सकते हैं, और इंसुलेशन फटनी नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए होलना हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और आपने ये दीवार के पास ऐसे लॉक में इसको अटका देना है। उसके बाद ये देखिए लॉक हमारे पूरी तरह प्रॉपर से बैठ गए, क्योंकि हमने जो है काफ़ी अच्छा मेजरमेंट किया, जिसकी वजह से प्लेट जो है हमारी लेफ्ट राइट भी नहीं खिसकानी पड़ी और बिल्कुल लॉक की जगह पर आ गई। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना प्लेट से ना इधर उधर खिसका देते हैं, जिसके बाद जो प्लेट के लॉक होते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या है। ये देखिए ये जो लॉक है ना प्लेट के, ये इधर उधर हो जाते हैं और ये यहाँ पर प्लेट इसमें फंसती नहीं है। तो ये चीज़ ना हमें बड़ी अच्छे से नापनी होती है, ये जो होल की जो डिस्टेंस है ना, ये काफ़ी अच्छे से नापना होता है कि कहीं ऐसा ना हो लगाते वक्त ये इधर उधर प्लेट चली जाए इसके। अगर मान लीजिए प्लेट इधर हो गई ना, तो ये लॉक कई बार अटकने में नहीं आते हमारे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए ये ना हमारा बैक साइड का हिस्सा है, अब यहाँ निकला है हमारे कॉपर पाइप। तो हम क्या करेंगे, इसको ना यहाँ पे हाथ रख के ना राइट साइड को मोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे जो कॉपर, देखिए इंडोर के जो कॉपर वायर हैं और जो कॉपर पाइप है हमारे, वो बाथरूम की दीवार से अंदर आ गए हैं। अब इनको ना हमें हाथ लगा कर बड़ी सेफ्टी के साथ राइट हैंड साइड पर मोड़ लेना है, क्योंकि जो हमारे पाइप हैं वो राइट हैंड साइड से होकर आउटडोर यूनिट को जा रहे हैं। तो मैंने राइट साइड से जो कॉपर ट्यूब हमारी आ रही है उसमें जोड़ना है, इसलिए हम इसे राइट साइड में बड़ी सावधानी से बैंड कर लेंगे। देखिए जो इंडोर के जो ये पाइप हैं, इन पाइपों के साथ एक समस्या है, ना तो इसके अंदर हम स्प्रिंग बेंडर डाल सकते हैं, और ना ही जो हैंडल वाला बेंडर होता है हमारा पाइप बेंडर, ना वो यहाँ पर चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है और ये इस तरह की साइड भी नहीं है। तो यहाँ पर इन्हें हमें हाथ से ही मोड़ना है, और इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि कहीं भी ये मोड़ते वक्त पाइप हमारे जो है वो पंच ना हो, मतलब पाइप की गोलाई पूरी बनी रहे, वो मतलब पिचके नहीं, उसका जो साइज है वो कम नहीं होना चाहिए। और देखिए एक चीज़ और, ये जो पाइप है ना हमारा छोटा वाला, ये हमें हमेशा नीचे ही रखना चाहिए, इनडोर कसते वक्त भी, मतलब इंडोर में अगर अंदर से पाइप कस रहे हैं तब भी और बाहर से कस रहे हैं तब भी, क्योंकि ये पाइप क्या है, ये एडजस्टेबल होता है थोड़ा बहुत, इसको हम नीचे भी मोड़ सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं इंच कसने के लिए। पर अगर आप इसको ऊपर कर देंगे ना, तो ये वाला पाइप जो है हमें फिर इसको कसने में दिक्कत करता है पाइप को। ठीक है, दोनों एक दूसरे पाइप को दिक्कत करते हैं फिर कसने में। और देखिए बात रही पाइप की, तो पाइप को जो हमें खोलना है, पाइप के रोल को, वो ज़मीन पर रखकर खोलना है। ज़मीन पर रखकर मतलब सीधी जगह पर रखकर, जहाँ पर ऊंचा नीचा हो, उससे क्या है हमारा पाइप एक तो सीधा खुलता है और टूटने मुड़ने का खतरा भी नहीं रहता। और इससे अलग एक बात और, जब हम पाइप पर इंसुलेशन चढ़ाते हैं तो इंसुलेशन के अंदर क्या रहता है, पाउडर रहता है इंसुलेशन को, जो अंदर से चिकना रखता है, जिससे कि इंसुलेशन आसानी से चढ़ सके। तो वो पाउडर हमारा पाइप के अंदर ना जाए, इसीलिए हमें हमेशा पाइप के मुँह पर कैप लगा लेनी है, या फिर पाइप का मुंह टेप से बंद कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद ही हमें इंसुलेशन चढ़ानी है। और होल से निकालते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम इंडोर का पाइप या फिर हमारा जो कॉपर ट्यूब है, जब हम उसको होल से निकाल लें तो उसके जो है मुंह पर हमेशा टेप लगी होनी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो दीवार के अंदर जो हमारी कटिंग का कचरा है वो हमारा कॉपर पाइप के अंदर ना जाए। तो कुल मिलाकर कचरे से बचने के लिए हमें इंडोर हो, आउटडोर हो या फिर हमारी कॉपर ट्यूब हो, तो उनको जो है हमेशा हमें टेप से उनका मुंह बंद कर लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और यही नहीं, अगर आपने रोल काट कर लगा लिया, आपके पास रोल भी बच गया है, तब भी आप उसके मुंह पर हमेशा टेप लगा के रखिए, उसका मुंह प्रॉपर से बंद होना चाहिए, उसके अंदर कचरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पाइप जो है हमारा मॉइस्चर से और कचरे से या कीड़े मकोड़े जाने से भी अंदर ख़राब हो सकता है। तो आप समझ ही गए कि पाइप को होल से निकालते वक्त हमेशा हमें पहले उसे टेप कर लेना है, उसके मुंह को बंद कर देना है। ये एक्चुअली मैं बताऊंगा हुआ क्या है, ये पाइप मैं आपको दिखा नहीं पाया हमने कैसे डाला है, क्योंकि हमें लगा जब हम ये पाइप डाल रहे थे हमारा वीडियो बन रही है, पर वो वीडियो बन नहीं पाई। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कस्टमर के यहाँ के बार बार उसको पाइप को निकालूँ और डालूँ, देखिए इंसुलेशन पे निशान भी आ गए हैं, तो बार बार निकालूँ और डालूँ तो फट जाएगी, ठीक है। तो वैसे मैं ऐसी बता देता हूँ हमने करा क्या है, हमने पाइप ना पूरा करीबन 3 मीटर का रोल था, ये हमने सीधा किया और होल से ना बाहर की तरफ से इसको अंदर की तरफ डाल दिया, ठीक है। बहुत ईजी है क्योंकि सिर्फ एक ही होल था जिससे हमें सीधे अंदर डाला है और एक ही बैंड दिया है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था। बाकी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अब यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे कैसे। ये देखिए, ये इसमें हमें ना कंपनी की फ्लेयर बनी बनाई मिली है, हमें फ्लेयरिंग करनी नहीं पड़ी यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छे फ्लेयर हैं, और आपको फिर भी चेक कर लेने हैं चाहे कंपनी ने बनाए एक बार। अब देखिए, पहले हम ना मोटा वाला पाइप कस रहे हैं, इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो छोटा वाला पाइप है ना ये क्वार्टर का, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं उसको कसते वक्त। ये देखिए, ये फ़ायदा है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉपर वायर जो हमारी ये दोनों कॉपर ट्यूब जो हमारी ये रहेंगी ना, इनमें से हमेशा क्वार्टर वाली या अगर 3/8 और 5/8 वाली है तो आपको 3/8 वाली नीचे रखनी है। जो भी पाइप हमारा कम साइज़ का होगा वही हमें नीचे की तरफ रखना है हमेशा, और उसको ताकत लगा के अच्छे से कस देना है, ठीक है। अब इसको जितना अच्छे से कस दोगे उतना आपके गैस लीक होने के चांस कम हो जाएंगे, तो इस तरह से आप इसको कस लीजिए, ठीक है। आप ऐसे ही इसके बाद क्वार्टर का कस लीजिए, दोनों पाइप आपके कसने के बाद। अब आपका काम क्या रह जाएगा, ये वायर जोड़ना, ड्रेन पाइप जोड़ना, ठीक है, और इस पाइप को कवर कर देना। देखिए, ये है हमारी मेन पावर केबल, इसी से सप्लाई हमारी इंडोर को जाएगी, और ये हमने स्टेबलाइजर में कस दिया है। तो देखिए, ये वायर तो हमने इसमें जोड़ दिया है, रेड वाली फेस में, येलो और ग्रीन वाली अर्थ में, और ब्लैक वाली न्यूट्रल में। इसके बाद बारी आती है बाहर के आउटडोर की। तो देखिए, यहाँ पर ना हम चौकी वाला स्टैंड यूज़ करने वाले हैं, फ्लोर स्टैंड। देखिए, ये हमारा फ्लोर स्टैंड है, इस पर हमने अपनी यूनिट रख दी, और बहुत ही आसान है इसको कसना, सिर्फ 4 बोल्ट आपको डालकर इसे कसना है, और आपको इसके साथ रबड़ के गुरमिट भी मिले हैं जो कि इसकी आउटडोर की वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपको ये गुरमिट लगा लेने हैं, नहीं आए तो आपको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने गुरमिट लगा दिए हैं इसमें, इस तरह से आपको चारों गुरमिट लगा कर इसे कस लेना है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं कसने हैं नहीं तो गुरमिट पूरी तरह बैठ जाएंगे, ठीक है। रिंच से इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करना, ज़्यादा नहीं करना है हमको, गुरमिट ख़राब नहीं करने, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, बोल इसमें ना गुरमिट आकर ऊपर टच हो जाएगा बस, जब इसमें टच हो जाएगा तो आपको छोड़ देना है, कसना बंद कर देना है मतलब। देखिए, इसके बाद ना हमें यूनिट के जो बाहर का पैनल है उसका कवर निकाल लेना है। देखिए, अब हमें करनी है आउटडोर की वायरिंग। तो आप जो राइट साइड वाला देख रहे हैं, ये है आउटडोर साइड और ये है इनडोर साइड। अब ये वायर जो थी हमारी, ये पड़ गई थी छोटी, क्योंकि हमने पाइप बढ़ाया था,
अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने रेड वायर बढ़ाई तो हमने इसमें ये वाली रेड जोड़ दी, और जब हमने ये ब्लैक में ये ब्लैक वायर जोड़ दी, और इस वाली वायर में हमने ब्लू वाली जोड़ दी थी, और जो डबल कलर वाली है इसमें हमने अपनी ग्रीन वाली वायर जोड़ दी थी, तो ये तो अर्थिंग की थी, ये हमने अर्थिंग में जोड़ दी। ये देखिए, ये एस वाली एस में जोड़ दी, और जो ब्लैक वाली न्यूट्रल थी ये न्यूट्रल में जोड़ दी, और जो रेड वाली ये लाइन में जोड़ दी, क्योंकि हमने लाइन में जोड़ी थी। तो ये कलर जो है बदल गए हैं, क्योंकि हमने वायर जो है वो बढ़ाई है और हमने ये इसी हिसाब से जोड़ी है। तो ये यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप जब भी कभी अगर वायर बढ़ा रहे हो और आपके पास सेम कलर की वायर नहीं है, तो आप फोटो खींच लो या फिर लिख लो या याद कर लो, कुछ भी एक काम ऐसा करो जिससे कि आपकी वायरिंग जो है वो सही हो, अलट पलट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वायर जो है अब आउटडोर में कनेक्शन कर दिए हैं। अब जो है हमारी जो वायरिंग का काम है ये तो हो गया ख़त्म, ठीक है। हमारी एक वायरिंग रह गई है जो कि हमें स्टेबलाइजर को मेन पावर देनी है। इसके बाद हमारी बारी आती है बाहर के पाइप जोड़ने की, सक्शन और डिस्चार्ज लाइन जोड़नी है हमें। और देखिए, अब इसको भी ना रखने का एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज़ ना हमें ध्यान रखनी है कि जो हम एसी लगा रहे हैं उसमें हमारे एसी की कूलिंग इफेक्टिव ना हो। देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये शीशा लगा हुआ है, अगर हम इसका मुंह इधर करते हैं और वो इसको बिल्कुल शीशे के पास रखवाना चाह रहे हैं कि आप इसका मुंह इधर करिए और शीशे के पास रख दीजिए, तो इसमें क्या है, जब ये एयर हम जब हम इसको चलाएंगे तो इसकी एयर ना शीशे से टकराएगी, जो ऊपर की एयर है वो तो ऊपर निकल जाएगी, पर जो इसके यहाँ से नीचे की एयर है ना वो यहाँ पर टकराएगी और इसको एसी को वापस आ जाएगी, क्योंकि ये वाइड एंगल में फेंकते हैं जो एयर फेंकते हैं। तो जो यहाँ से जो इस हिस्से से जो नीचे की एयर निकलेगी वो इस तरह से इस शीशे पर टकराएगी यहाँ से ऐसे, और नीचे की तरफ इसी यूनिट के वापस इसी के पीछे से इसी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो है इसकी कूलिंग इफेक्टिव होगी, तो इसलिए हमने क्या करा यूनिट को दीवार की तरफ रखा है, और एयर फ्लो इधर की तरफ आएगा और हवा ऊपर की तरफ, गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर चली जाएगी और एसी को हमारे बैक एयर नहीं मिलेगी इसकी जो एयर है। तो पाइप को ना हमें बिल्कुल कॉर्नर में कर लेना है जहाँ से हमें जो है गंदा नहीं लगेगा, अगर आप इसको इधर लगा दोगे तो थोड़ा गंदा लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एडजस्ट कर लेना है अपने जो हमारे सर्विस वाले हैं उसके हिसाब से हमें पाइप को नाप कर काट लेना है। और हमेशा देखिए, जब भी आप पाइप जोड़ेंगे ना तो आप कोशिश करिए एक फुट या छः इंच का टुकड़ा आप उसमें एक्स्ट्रा लेकर चलिए, क्योंकि कई बार ना पाइप लगाते समय अगर आपने थोड़ा सा भी गलती करी है ना नापने में तो आपको पाइप छोटा पड़ जाएगा, इसलिए आप एक फुट के करीब हमेशा एक्स्ट्रा पाइप ही मान के चलिए कि हमें लेके चलना है। देखिए, मैं फ्लेयर बनाने की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप आई बटन में देख सकते हैं कि फ्लेयर बनाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ, फ्लेयर वाली आप उसमें जा कर के देख लीजिएगा आई बटन में फ्लेयर कैसे बनाते हैं। और देखिए, दोनों इंच लगा के आपको कसना है। आजकल ना ये बॉडी बहुत हल्की आने लग गई है, जिसकी वजह से ना ये बाल पूरी बॉडी अंदर की तरफ काफ़ी हद तक दब जाती है और यहाँ पर लीकेज बनने के चांस रहते हैं नए यूनिट में भी। तो दोनों फ्लेयर बनाने के बाद आपने फ्लेयर हमारी कस लेनी है और नाप पर ही काटनी है, ठीक है। और फ्लेयर को हमेशा ना आपने चेक जरूर कर लेना हाथ से इस तरह से कि कहीं फ्लेयर हमारा छोटा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, या फिर उसमें किसी किस्म का कोई स्क्रैच तो नहीं है और फटी तो नहीं है। कई बार फ्लेयर बनाते समय ना चटक जाती है हमारी, तो आपको दोनों जो है फ्लेयर अच्छे से कस लेनी है हमारी इस तरह से।
और मैं बता चुका हूँ अगर आप फ्लेयर बड़ा बनाएंगे थोड़ा चौड़े साइज का बनाएंगे तो आप ना उसको ज़्यादा अच्छे से टाइट कर सकते हैं। अब इसके बाद फाइनली हमारा काम बचता है वैक्यूम का, ठीक है। ये हमने सर्विस वाल्व खोल लिया जहाँ से हम वैक्यूम करते हैं, ठीक है। आपने लाइन अच्छे से लगानी है और देखिए हमेशा ना आप जब भी लाइन लगाएं तो उसकी जो रबड़ है वो हमेशा अच्छे से चेक कर लें, ये वाली रबड़ कि आपकी रबड़ ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है, काफ़ी घिस तो नहीं गई है, या इसमें कहीं चटकने का निशान तो नहीं आ गया। कई बार ना रबड़ चटक जाती है, ये तो आपको चार पॉइंट मिलेंगे वैक्यूम करते समय रबड़ के अंदर, मतलब इस सॉरी चार्जिंग लाइन के अंदर ना चार कनेक्शन होंगे रबड़ वाले, तो आपको चारों चेक करने हैं। दो आपके लगे होंगे आपके वैक्यूम मीटर के पास और एक होगा आपका वैक्यूम पंप पे और एक होगा आपका एसी के पास। और आपको देखिए अगर ये वैक्यूम, एक चीज़ और, जैसे आपने वैक्यूम चलाया और एकदम से ही एकदम माइनस आपका पूरा आ गया तो समझ जाइए जो आपका वैक्यूम का जो ये लाइन है ना आपकी, ये सही नहीं लगी। और इसको ना आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो खोल के, आप इस पे से जैसे ही हाथ हटाओगे तो ये धीरे धीरे वैक्यूम टूटना चाहिए। अगर ये आपका एकदम वैक्यूम टूट गया तो मतलब आपकी जो लाइन है ना वो एसी में सही से नहीं लगी है। तो वैक्यूम करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से करते हैं। तो आपको मैंने दिखाया कि जब हम उंगली हटा रहे हैं लगा रहे हैं तो वैक्यूम हमारा टूट नहीं रहा आसानी से, धीरे धीरे टूट रहा है। और आपने इसको कम से कम एक मिनट दो मिनट वैक्यूम को होने दीजिए, माइनस 60 तक आ गया है और ये इतना काफ़ी है। और देखिए वैक्यूम का मैं फ़ायदा बताता हूँ, वैक्यूम होता क्या है एक्चुअली, जब हमने पाइप जोड़े तो उसके अंदर जो हमारी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है वो सब इसके अंदर चला गया, तो जो बाहरी एयर है वो हमें इन पाइपों के अंदर से निकालनी है। वैक्यूम का मतलब ये है ऐसा, ऐसी जगह जहाँ से हमने जो है एयर को निकाल दिया हो, ठीक है। इसके बाद जो है हम डिस्चार्ज लाइन वाले वाल से गैस खोलेंगे, सबसे पहले छोटे वाले वाल से मतलब। और वैक्यूम से पहले गैस खोलने का तरीका पता क्या है, तरीका ये है कि आप ना अगर आपको फ्लेयर नट या एसी पे डाउट है कि हमारे ये जो नट हैं इनमें लीकेज हो सकती है, तो आप कम से कम आधे घंटे एक घंटे वैक्यूम को होल्ड करके छोड़ सकते हैं। वैसे तो 24 घंटे कहते हैं कि 24 घंटे छोड़ना चाहिए, पर इतना समय नहीं होता कि आप 24 घंटे बाद दोबारा से गैस खोलने जाओगे, तो आप 10-5 मिनट 20 मिनट होल्ड कर सकते हैं। और गैस ना हमेशा पहले इस वाले वाल्व से खोलनी है, वाल्व पूरे खोल देने हैं, उसके बाद इस वाले वाल्व से खोलनी है सक्शन वाले से। ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व है और ये हमारा सक्शन वाल्व है। आपको देखिए टेफ्लोन का जरूर यूज़ करना है, क्योंकि एक बार क्या होता, हमने एक सैमसंग के एसी लगाए थे नए एसी, उनमें से एक एसी का ना ये वाल्व नए में लीक आ गया था, तो 3-4 दिन बाद ही गैस निकल गई। उस दिन हुआ क्या, हमने ना टेफ्लोन नहीं यूज़ की थी लगाते वक्त, अगर हमने उसमें टेफ्लोन यूज़ की होती तो शायद वो ख़राब वाल्व पे भी एसी चल जाता। तो इसलिए आपको ना तीनों नट की जगह पर ऐसे टेफ्लोन लगा लेनी है, उसके बाद नट कसने हैं, तो ये क्या है आपकी जो लीकेज के चांस है वो कम हो जाते हैं। और आपको टेफ्लोन ना मोटी वाली यूज़ करनी है, क्योंकि टेफ्लोन ना कई तरह की आती है, एक बिल्कुल ही पतली बहुत ही हल्की सी फिल्म टाइप की आती है टेफ्लोन, वो तो लगाने में लपेटने में आती नहीं है, लपेटते लपेटते ही ख़राब हो जाती है वो। तो आपको हर चीज़ ना अच्छी यूज़ करनी है, आप अच्छे टूल यूज़ करिए, अपने टूल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। जैसे अगर ऑयल की ज़रूरत है ऑयल करिए, या अगर टूल्स आपके घिस गए हैं आपको बदलने की ज़रूरत है तो बदलिए। जैसे बदलने की ज़रूरत अक्सर किस चीज़ को होती है, प्लास को, पेचकस को, क्योंकि प्लास की कई बार ग्रिप ख़राब हो जाती है तो आपको शॉक लगने का डर रहेगा, और पेचकस की जो बिट होती हैं वो आगे से घिस जाती हैं, जिसमें वो पेच को खोलने की बजाय ना पेच के ऊपर से रपटने लगती हैं। तो आप ना अच्छे टूल्स यूज़ करिए हमेशा, तो आपका काम भी अच्छा होगा। और देखिए
इसके बाद ना आपने ये पैनल बंद कर दे, पैनल का कवर बंद कर देना है, और आपको ये वाल का कवर भी बंद कर देना है। और हाँ, एक चीज, अगर आपको अपने फ्लेयर पर डाउट है कि आपकी गैस निकल सकती है, देखिए हमने तो चेक किया नहीं, पर अगर आपको डाउट है कि आपकी गैस निकल सकती है, आप यहाँ पर बबल से चेक कर सकते हैं। मतलब मैं बताता हूँ किस तरह से चेक करना है। देखिए इस तरह से ना आपको 100-200 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml पानी में आपको एक शैम्पू का पाउच डाल लेना है। इस तरह से ना दोनों नट पे अच्छे से पानी डालना है, आपको बबल नहीं डालने हैं, पानी डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हल्का सा भी बबल बनेगा, अगर जहाँ पर लेके जाए तो आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप बबल डाल दोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आसानी से कि वो गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने शैम्पू का पानी डाला है पूरा, और हमें कोई बबल नहीं दिखाई दे रहा। जनरली हम कभी चेक नहीं करते हैं कि गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया, 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो हम कभी चेक नहीं करते। सिर्फ आप लोगों के लिए सावधानी के लिए मैंने बताया है कि आप इस तरह से ज़रूर चेक कर लीजिए अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। और ऐसे ही ना आपको आउटडोर और इनडोर दोनों जगह के कनेक्शन चेक कर लेने हैं कि कहीं उन पर बबल तो नहीं आ रहा, और आपको गैस पूरी नहीं खोलनी है, केवल प्रेशर खोलना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 इस तरह से प्रेशर ही आपको खोलना है। पूरी गैस आप इसको लिखित चेक करने के बाद खोलिए, ठीक है। तो आपको दोनों वाल पूरे से खोल लेने हैं, उसके बाद ध्यान से, नहीं तो आपकी एसी में कूलिंग नहीं आएगी। तो देखिए अब बात आई हमारी ड्रेन पाइप की। तो अभी बाथरूम के अंदर जो हमारी ड्रेन पाइप है ना, हमने इसमें धागे वाला पाइप लगा दिया है, और इसको हम यहाँ पर शटल कर देंगे एक, है ना। ये देखिए अब पाइप के साइज की शटल ले लो, उस पर शटल कर दो। ठीक है, अभी देखिए ये पानी ना हमारा यहाँ पर गिर जाएगा वॉश बेसिन के अंदर, ठीक है। अब ये कस्टमर है ना, इसको एडजस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि बाथरूम की जो टाइल है ना, वो कह रहे हैं कि इसमें हमें कुछ नहीं कराना, क्योंकि ये जो रूम है ये हमने रेंट पे लिया है, और लिमिटेशन है हमारे साथ कि हम ज़्यादा वो छेड़खानी कर नहीं सकते हैं। तो ये फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, बस हम इसको कॉर्नर में कर देंगे पूरे अच्छे से, ठीक है, शटल करके। अब ये जो हमारे जो पाइप थोड़े खुले रह गए हैं, तो इनको ना हम इंसुलेशन से कवर कर कर टेप कर देंगे, जिससे कि इसे हवा ना लगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हवा के संपर्क में आएंगे ना इस पर, उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर बनेगा और यहाँ से पानी गिरेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिपेट के अब हम क्या करेंगे, इस पर टेप कर देंगे, ठीक है, इस तरह से पूरा। और हमको इसको कहीं से भी खुला नहीं छोड़ना है कि ये एयर के संपर्क में आए और यहाँ पानी बन के गिरे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अच्छे से टेप कर लेना है। अब आपने इस पाइप को एकदम सीधा सा करके एडजस्ट कर दीजिए कि आपको बुरा ना लगे पाइप। और आपको ना 40 mm की शटर ले लेनी है, ये 40 mm की शटर है ये हमारी जो है, इसको हम इस पर क्लिप कर देंगे इस तरह से। और देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि हमें होल फोड़ते वक्त ध्यान रखना है, तो देखिए हमने जो होल फोड़ा ना बिल्कुल टाइल से ऊपर फोड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, है ना। ये देखिए इस तरह से हम पाइप को एडजस्ट करते जाएंगे और इसमें शटल करते चले जाएंगे ऐसे। हमने 2 शटल कर दिए इसमें,
अब देखिए जो हमारा पाइप है ना सारा अंदर से चला गया बाथरूम के अंदर से, और सोचिए अगर यही पाइप हम कमरे के अंदर से लेके जाते तो कितना बुरा लगता। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, इसके बराबर में ही वो विंडो आ रही थी जिसमें से शीशे से, मैं बता रहा था कि अक्सर लोग ऐसे भी ले जाते हैं, कहते हैं साफ मैकेनिक, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन जो है वो एक साफ़ सफाई से होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं सारा पाइप हाइड हो गया हमारा यहाँ पर, जो कि बाथरूम में आ गया। सिर्फ दिख कहाँ हमारी कमरे में क्या चीज़ दिख रही है, इंडोर। देखिए यहाँ पर बाहर निकला है वो पाइप, बाथरूम से सीधे यहाँ निकल रहा है, और यहाँ हमारा एक कॉर्नर से आते हुए आउटडोर में जुड़ गया। तो आपको देख रहे हैं ये साफ सफाई से इंस्टॉलेशन जो होती है वो इस तरह से की जाती है। ये देखिए ये वायर हमारी जो लटकी हुई है ना, इसका भी एक रीज़न है कि इस तरह से क्यों लटकी हुई है, बताता हूँ अभी। एक्चुअली ये जो प्लग है ना, ये हमने अलग से नहीं लगाया, ये इंडोर के साथ ही लगा हुआ मिलाया मैं, और इसमें सिर्फ इतनी ही वायर आ पाई है, बची है काटने के बाद के ये यहाँ से इस तरफ तक आ जाए, मतलब इसको हम साइड नहीं कर सकते। कुछ काम ना हमें कस्टमर के हिसाब से करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने बोला कि इसको अंदर से पावर दे दिए, उन्होंने बोल दिया नहीं हमें बाहर से ही चाहिए, हम अंदर वॉशिंग मशीन चलाते हैं, एक ही पॉइंट है। हालांकि वो इलेक्ट्रिशियन बुला के एक पॉइंट बनवा सकते थे, पर रेंट का रूम है, उन्होंने बोला हम तो एक आध साल पढ़ने के लिए आए चले जाएंगे, तो ये वायर बोला उन्होंने ऐसे ही रहने दो। अभी देखिए खाली एसी दिख रहा है और एक वायर है, ये भी कस्टमर के कहने पर दिख रही है। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन करी जाती है जिसमें कि आपका कुछ भी ना दिखे। और देखिए अगर कस्टमर हमारी बात मान लेता ना और स्टेबलाइजर को सप्लाई भी अंदर से दिला देते तो इस तरह से दिखती हमारी यूनिट, केवल दीवार पर यूनिट दिखती और कुछ भी नहीं दिखता। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने आज ही देखा है कि स्प्लिट एसी किस तरह से लगाया गया है, और इसी तरह की ये साइड भी बैठ रही थी, जैसे कि मैं आपको ये साइड दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये है वो साइड, सेम वही वाली बात है, यहाँ पर डोर है हमारा जैसे कि इस रूम में था, और ये एसी है, जबकि ये रूम के बीच में भी नहीं लगा। अगर ये सोचिए अगर रूम के बीच में लगता तो ये और जाता भी इधर, और यहाँ से करीबन यहाँ से कॉपर पाइप दिखता आपको। तो देखिए यहाँ पर शीशा भी काटा गया है, ये देखिए मैं आपको अभी और दिखाता हूँ क्या क्या करा गया है इस एसी में। ये देखिए शीशा काटा गया, कितना गंदा लग रहा है शीशा कटा हुआ, और देखिए वायर कैसे फैला दी गई है सारे में, देख रहे हैं आप। तो मतलब इस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं करने वाले। तो आपको ना एक अच्छी इंस्टॉलेशन करनी है साफ सफाई से। देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या नहीं किया, जैसे कि स्टेबलाइजर हमने बाथरूम में लगाया, रूम में नहीं लगाया, रूम की लुक खराब नहीं हुई, ठीक है। दूसरा स्टेबलाइजर हमने अपने जो ड्रेन पाइप और कॉपर पाइप है उसकी लाइन के नीचे लगाया, अक्सर टेक्नीशियन उसके नीचे भी लगा देते हैं, जिससे कि क्या है उसकी इंसुलेशन या उस पर मॉइस्चर आने के बाद जब पानी बनता है तो कई बार स्टेबलाइजर में गिर जाता है। जो कॉपर वायर थी हमारी वो हमने रूम से नहीं निकाली, बाथरूम से निकाली, ठीक है, और सीधे बालकनी में ले गए और वहाँ पर ही हमने आउटडोर में लगा दी, तो कमरे की लुक बच गई वहाँ पर भी हमारी। और इंडोर यूनिट हमने 7.5 फीट छोड़कर लगाई है, ना कि 8.5-9-10 फीट पर, ठीक है ना, वहाँ पर भी क्या होता है कूलिंग जो है हमारी कम हो जाती है, और सबसे बड़ी समस्या हमें सर्विस की आती है। इसके बाद जब हमने होल फोड़ा, होल फोड़ने से पहले हमने दीवार के पीछे देखा कि वहाँ पर कोई बिजली का पॉइंट तो नहीं है और गीजर वगैरह तो नहीं लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। अगर आपने होल फोड़ दिया और गीजर लगा होता, गीजर में लग जाता, आपको कुछ कमाने की बजाय बल्कि वहाँ दंड भरना पड़ जाता और आपकी इमेज भी ख़राब होती और आपको सुनना अलग से पड़ता, ठीक है। और आउटडोर में देखिए, आउटडोर जो हमने लगाई वो हमने शीशे के पास नहीं रखी और शीशे की तरफ मुँह नहीं करा, क्योंकि शीशे से टकरा कर जो एयर, उसकी जो हॉट एयर है वो वापस एसी के पास आ जाती और वो उसी के पास घूमती रहती, जिससे क्या है एसी की जो है कूलिंग भी कम हो जाती और एसी का बिल भी ज़्यादा आता, ठीक है ना, एसी से जो है ना बिजली का बिल भी ज़्यादा आता।
और ज़्यादा गर्मी के वक्त वो परेशान भी कर सकता था ऐसे में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी हमें जो छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी होती हैं इंस्टॉलेशन के वक्त, यही होती है एक सही तरह की परफेक्ट इंस्टॉलेशन। जो हमने इंस्टॉलेशन करी है उसमें ड्रेन के लिए हमने सही वॉल चूज़ करी जिसके पीछे हम जो ड्रेन वाटर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कई जगह पर क्या होता है हम जो है हमने देखी है कि वहाँ पर इंस्टॉलेशन इस हिसाब से हुई होती है कि आपको जो ड्रेन वाटर है वो बाल्टी में रिसीव करना होता है और बाल्टी को दिन में उठाकर फेंकनी होती है। आप बाल्टी कई बार तो बाल्टी रूम के अंदर रखी होती है, क्या समझे, मतलब दीवार पर एसी लगा उसके थोड़ी सी राइट में या लेफ्ट में बाल्टी रखी है उसके अंदर पानी गिर रहा है। तो इस तरह की इंस्टॉलेशन से बचना है, ये होती है इंस्टॉलेशन। अब देखिए एक जगह पर तो टांड पे एसी लगा रखा है, देखिए बताइए ये टांड पर एसी लगा रखा है, टांड पर एसी लगते हैं कभी बताइए। और देखिए आउटडोर कहाँ लगाई है, ये यहाँ पर शेड टाइप की जो है इन्होंने झोपड़ी सी बनवाई हुई है, अब बताइए इसमें जो है इन्होंने आउटडोर लगा दी। अब ये क्या है, जैसे ये आउटडोर से हीट निकलेगी वो हीट क्योंकि ऊपर की तरफ भागती है तो ये यहीं पे इसी झोपड़ी सी के अंदर जो है ये हीट इकट्ठी होती रहेगी और जो है एसी की कूलिंग भी कम आएगी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा और ज़्यादा गर्मी के वक्त जिस समय सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी एसी ट्रिप मार जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो जिनसे आपको बचना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एसी किस तरह से वर्क करता है, इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है। एक चीज़ और मैंने ना आपने देखा होगा कि हमने इस एसी में एमसीबी नहीं लगाई। इस एसी में हमने एमसीबी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कुली 5 एम्पियर का एसी है और 10 एम्पियर की एमसीबी और 12-15 की एमसीबी पे भी आराम से चलेगा। और सबसे बड़ी बात इसकी जो एमसीबी है 16 एम्पियर की मेन बोर्ड पर लगी हुई है तो इसलिए हमने यहाँ पर एमसीबी नहीं लगाई है। आप सोचोगे कि एमसीबी नहीं लगाई तो जो है एसी में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है, एमसीबी मेन बॉक्स में इसकी लगी हुई है।